तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डू फॉलो बैकलिंक्स मैंने क्रिएट कर दिया है। इसको मैं इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नो फॉलो या डू फॉलो। आप देख पा रहे होंगे ये 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने वेबसाइट के लिए हाई क्वालिटी डू फॉलो प्रोफाइल बैकलिंक्स आप क्रिएट कर सकते हो। और उसके साथ में मैं आज की वीडियो में आपको कुछ टिप दूंगा जिसके मदद से आपकी जो लिंक है वो जल्दी इंडेक्स हो जाएगा। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले गाइस एक चीज़ मैं हमेशा बोलना चाहूंगा कि ये चैनल जो है ये आपका और मेरा चैनल है जिसका नाम है SEO स्मार्ट की। इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेस पे बैकलिंक्स के रिलेटेड, ट्रैफिक के रिलेटेड, रैंकिंग के रिलेटेड प्रॉपर SEO के वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो गाइस जल्दी से जाओ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब आप कर सकते हो और गाइस नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि डेली जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफाई होता रहेगा। इसके साथ में गाइस जो भी आपके जो डाउट्स होंगे, जो भी आपके जो क्वेश्चन होंगे, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या गाइस आप मुझे पर्सनली आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम में। तो गाइस इंस्टाग्राम का जो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ गाइस अगर आप चैनल पर विजिट करोगे आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा जिसको बोलते हैं प्लेलिस्ट। जैसे आप प्लेलिस्ट में जाओगे SEO ऑफ पेज में जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं सारे एक्टिविटीज़ को मैंने यहाँ पे कवर करा हुआ है, चाहे वो आर्टिकल हो चाहे वो PDF सबमिशन क्यों ना हो। तो गाइस ये सब कुछ आप देख के उसको अप्लाई जरूर करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और गाइस वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये एक वेबसाइट है। सबसे पहले इस वेबसाइट की DAPA स्पैम स्कोर और डोमेन रेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अपने आप से भी आप चेक कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस इस वेबसाइट की अगर मैं DA की बात करूँ तो गाइस आप देख पा रहे होंगे इस वेबसाइट का जो DA जो है वो 68 है और स्पैम स्कोर खाली 1% है। और ये जो वेबसाइट जो है ऑलमोस्ट 17 साल पुरानी वेबसाइट है। और इस वेबसाइट की अगर मैं डोमेन रेटिंग की बात करूँ जिसको DR बोलते हैं, तो गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इस वेबसाइट की डोमेन रेटिंग जो है DR जो है आप देख पा रहे होंगे 75 है। तो गाइस बहुत अच्छी वेबसाइट है, हाई क्वालिटी वाली वेबसाइट है। और ये जो वेबसाइट जो है जल्दी इंडेक्स भी हो जाता है अगर आप जो है मेरी जो टेक्निक अगर आप यूज़ करोगे, आपकी जो लिंक है वो जल्दी इंडेक्स हो जाएगा। तो गाइस इसमें बैकलिंक्स कैसे बनाना है वो चीज़ सीखते हैं, चलो वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, मैं सबसे पहले लॉग आउट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, एक नया अकाउंट क्रिएट करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बस, तो गाइस जैसे ही आप लॉगिन पे आप क्लिक करोगे आपके पास इस तरह का आपके पास पेज आ जाएगा, जहाँ पे जो है आपको लॉगिन का भी ऑप्शन मिलेगा, आपको क्रिएट अकाउंट का भी ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे जो है क्रिएट अकाउंट में करूँगा, यहाँ पे सिंपली फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको एंटर करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। और ईमेल आईडी के लिए अगर आप चाहो तो गाइस आप टेम्प ईमेल को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं इस वाली ईमेल को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि गाइस जिस ईमेल आईडी में मैं बैकलिंक्स क्रिएट करता हूँ वो बैकलिंक्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, इसलिए जो है मैं ये वाला ईमेल आईडी यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है दिखे कि साइनअप करने के समय या अकाउंट को क्रिएट करने के समय कोई भी इशू नहीं होता। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने सारे डिटेल्स को मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। उसके बाद मैंने क्रिएट अकाउंट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, उससे पहले गाइस एक पासवर्ड भी एंटर कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिंपली बस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम हो गया और उसके बाद आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करोगे आपकी जो अकाउंट है इस तरह से आपके पास आ जाएगा। उसके बाद गाइस सिंपली आपको बस एडिट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारे डिटेल्स आप फुलफिल कर सकते हो, जैसे कंपनी का नेम हो गया, सिटी हो गया, उसके बाद जो है आप देख सकते हो बायो हो गया, उसके बाद सोशल एड्रेस हो गया, उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद वेबसाइट का ऑप्शन है। तो गाइस यहाँ पे जो है मैं वेबसाइट का नाम मैं लिख देता हूँ, जो ब्लॉगस्पॉट वाला जो URL है, जो SEO स्मार्ट की का जो ब्लॉगस्पॉट वाला URL है उसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि गाइस यूट्यूब का लिंक जो है मैंने ऑलरेडी मैंने दे रखा है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ से लिंक को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और कोशिश करो कि अपने होम पेज के लिए आप क्रिएट करना, जिससे मदद से क्या होगा आपकी होम पेज से ही आपकी जो डिफरेंट जितने भी सब पेजेस होंगे वहाँ पे जो है आपको जो है लिंक जूस पास होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करो कि अपने होम पेज को आप प्रमोट करो और कोशिश करो कि अपने होम पेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप डू फॉलो बैकलिंक्स आप क्रिएट करो और सारी डिटेल्स को यहाँ पे आप अपडेट करोगे। उसके बाद आपको सिंपली आपको सेव पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप सेव पे आप क्लिक करोगे आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे गाइस यहाँ पे मेरा लिंक लाइव हो चुका है, यहाँ पे मैंने बायो नहीं लिखा है, बायो आपको 100% आपको लिखना है, क्योंकि गाइस जब भी आप अपने वेबसाइट को प्रमोट करते हो तो गाइस बायो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो लिंक मैंने जो क्रिएट करा है वो 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है, कहीं पे भी नो फॉलो नहीं लिखा हुआ। तो गाइस ये तो हो गया लिंक्स हमने क्रिएट
क्रिएट कर लिया, अब उसके बाद इस लिंक को किस तरह से आप इंडेक्स कराओगे वो भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना होगा, जो आपका जो लाइव URL होगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नोट पैड में, ऐसे ही आपको URL को कॉपी पेस्ट करना है और इसी URL को जो है आपको अलग अलग पिंग सबमिशन साइट्स पे आपको पिंग करना है। अब आप सोच सकते हो कि पिंग करने से क्या बेनिफिट होगा, तो गाइस पिंग करने से ये बेनिफिट होगा, जितना ज़्यादा आपका लिंक, जितना ज़्यादा आपके सर्च इंजन पे आपको लोगों को पता, सर्च इंजन को पता चलेगा, उतने ही ज़्यादा उतनी ही जल्दी आपकी जो लिंक है वो जल्दी इंडेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं एक वेबसाइट यूज़ करता हूँ रेगुलर बेस पे, जो है useme.org। इस वेबसाइट पे आपको सिंपली क्या करना है, URL को बस कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे आपको जो है नंबर्स मिलेंगे, नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो, 1000 हो गया, 2000 हो गया, 50 हो गया, 20 हो गया, और कोशिश करना कि इस वेबसाइट में जो भी आप URL यूज़ करोगे वो HTTP के साथ, HTTP को यूज़ करना है, HTTPS को वो वैलिड नहीं करेगा। तो गाइस HTTP, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसी तरह से जो है आपको पिंग करना होगा, जिसके मदद से आपकी जो लिंक्स है वो बहुत जल्दी इंडेक्स हो जाएगा, आप सर्च इंजन सबमिशन भी कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो बस इतना ही था, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो गाइस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।